नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सिद्धार्थनगर में एक दलित महिला के साथ दो युवक के द्वारा बलात्कार करने की कोशिश। सिद्धार्थनगर जिले में डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रमुआपुर उर्फ नेबुआ गांव में एक दलित महिला ने दो युवकों पर आरोप लगाया है कि वे मेरे साथ दो युवक द्वारा जबरन बलात्कार करने की कोशिश की गई। दरअसल पीड़ित महिला बाजार से अपने घर वापस आ रही थी कि गांव के मोड़ पर घात लगाए दो युवकों ने महिला को दबोच लिया, जबरन खेत में ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश की। महिला ने जब शोर मचाया तो दोनों युवक महिला को गाली देते हुए धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित महिला का कहना है कि वह पिछले एक सप्ताह से थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस ने दोषी युवकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। महिला का कहना है कि दोनों युवक उसको लगातार धमकी दे रहे हैं। वहीं मामले को लेकर मीडिया के लोगों ने डुमरियागंज के CEO उमेश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि फोन पर बताया गया था कि हमको मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन मामले की जाँच करा कर वह दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। कैसा नहीं है जेहन साहब की ऐसा है कि हमें चीनी और भेली हम बाजार से 6 बजे आवत रहे और दोनों जने वही मोड़ पर ठाड़ रहे दल सिंगार के खेते के और वहीं हमें पकड़ कर मुँह हमारे पकड़ कर फेंक दिन खेते में। हमारा आदमी दूर रहा दौड़ा है तब तक उल्टा सीधा कहा था कि चमाइन के जात तू का कह सकत हूँ तुम्हें अब की जान से बकस दिए अब की मार तो बताओ हम चमार के जात तो होबे करी साहब। तो यह चीज़ है कहे का हमारे गलग ने से पटक दिए खेत में और कहीं नहीं कि हम अब की छोड़ दिए चमाइन के जात हमारे कुछ नहीं कह पाऊँ हमारे आगे पीछे क्यों नहीं है तो हमार सुनवाई करा जाए कि नहीं करा जाए। 4 तारीख से हम दौड़ी था और हमारे को सुनवाई नहीं करत है। 8 दिन हो गए हम आगे बढ़ के अब जाब अप्लीकेशन दूसर दे हम नौगढ़ से करब जैसे जाब SP साहब के यहाँ करब कि वह सब इज्जत के लाग हम वह कि इज्जत लूटे का तो हम गरीब आदमी हैं हमारा नहीं अगर सुना जाए तो हम आगे बढ़ के जाब SP साहब।